हम लोग आज नेगेटिव पीपल के बारे में सेकंड पार्ट। ये नेगेटिव पीपल मैंने पहले भी बनाया है लेकिन शायद अदर लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है, इसके लिए आज बना रहा था क्योंकि मैं आज ढूंढ रहा था यूट्यूब में, नहीं मिला मेरा, तो मैं सोचा आज एक नेगेटिव वाला डालूँ। पहला पार्ट ऑलरेडी हो गया है, सेकेंड पार्ट ये बात कर रहा हूँ। नेगेटिव पीपल हमेशा वरीड रहते हैं, यू नो, कंप्लेंट दूसरे के ऊपर करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपकी खुशी में उनकी खुशी नहीं होगी, राइट, और उनसे बात करके लगेगा कि आपकी पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया। ऐसा मैंने एक एक पहले वीडियो में बताया। अभी नेगेटिव पीपल सीक्रेटिव मेंटेन करते हैं, सीक्रेट फील करते हैं, राइट, आपके पास ऐसे बात करेंगे लेकिन कोई चीज़ बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बातें आपको बताने से आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकती है, आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है, वो सीक्रेट नहीं बताते। मेरा वीडियो का गलत मीनिंग नहीं लेना, ठीक है, सीक्रेट मतलब कोई भी चीज़ बोलने से गलत हो सकता है, वो चीज़ बोलते नहीं है तो दैट इज़ गुड, मैं वो सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देने से अच्छी बात हो सकती है तो उसको शेयर करना ज़रूरी है। तो ये नेगेटिव पीपल नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो कि किस तरह का लोग हैं। ये हमेशा गॉसिप करते हैं पीछे, यू नो, आपके पीछे बात करते हैं, कहीं से भी आपको कहीं से भी हिंट मिला ना कि आपके अगेंस्ट उन्होंने कुछ बात की, पहले तो उसको कंफर्म करिए कि ये सच है कि गलत है। अगर सच है, क्योंकि कोई चीज, कोई लोग उनके बारे में गलत भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से अपना नेगेटिव, उसकी वजह से यू नो आप गलत फहमी में मत आना, राइट, जो भी करना है सोच समझ के परफेक्ट होने के बाद करना, एक हो गया। और ये नेगेटिव पीपल है ना, एक्सपोजर ज़्यादा होता है, मतलब नेगेटिव की ओर बहुत खींचते हैं, इधर ये हो गया, उधर हो गया, इनके घर पे ये हो गया, नेगेटिव न्यूज़ उनके पास बहुत जल्दी आती है, नेगेटिव चीज़ की ओर अट्रैक्ट बहुत होते हैं क्योंकि वो है ऐसे ही। अगर यही चीज़ पॉजिटिव वाले होते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ना यार, अपनी क्या लेना था ना, उनकी ज़िंदगी अच्छा रहने दो, बस ऐसा। तो ये आपको पहचान सकते हो कि नेगेटिव पीपल क्या है। दूसरा होता है उनकी थिन जो है, उनकी जो स्किन है ना बहुत थिन होता है, मतलब कोई चीज़ वो सहन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई उनको मजाक किया उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे वो, अरे मुझे कैसा ऐसा मजाक किया, राइट, सो मजाक होंगे नहीं। या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसिज्म मजाक उड़ाता है उसके ऊपर गुस्सा आना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सच बोलता है, ठीक है, ये सच है और तुझे ये चेंज करेगा तो अच्छा होगा, ये मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर, वो भी उसको हजम नहीं होती है, बोलते हैं तू कैसे मेरे को बोलाओ, राइट, क्रिटिसिज्म वो कभी ले में नहीं पाते हैं। अगेन मैं बोलता हूँ, मेरा वीडियो का आप डायरेक्ट इस तरफ या उस तरफ मीनिंग मत लो, मैं मीनिंग बीच में, ओके, जो व्यक्ति आपने चेंज के लिए, अच्छा के लिए बोलता है वो गलत नहीं करते हैं, वो बराबर बोलते हैं, और आप उसको सच है, आपको भी पता है कि ये सच है, फिर भी आप उसको हजम नहीं कर पाते हो, देन गलती आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है, राइट। तो ये बहुत थिन स्किन होते हैं, इनके स्किन्स बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, इसके लिए वो छोटी छोटी चीज़ में भड़क जाते हैं, ये सब चीज़ सोचा हो जाता है, ओके, और कंप्लेंट तो करते रहेंगे हर जगह पर, उनके जो कंफर्ट जोन से वो कभी बाहर आएंगे नहीं। एक चीज़ इन पे आप देख सकते हो, बोलेंगे यार ये साड़ी बहुत अच्छा है बट इसमें ये होना चाहिए था, ओके, अगर वो रेनबो भी देखेंगे ना बोलेंगे वाह क्या बढ़िया रेनबो है, लेकिन ये कलर उस तरफ होना चाहिए, ये कलर इस तरफ होना चाहिए, सर किधर किधर कंप्लेंट निकालेंगे पता नहीं, वो हर चीज़ शब्द जो ना बट से कंप्लीट करते हैं, हमेशा अपना अपना सेंटेंस में बट की यूसेज कम होगा तो अच्छा है। आप कोई कन्वर्सेशन डालते रहो कि ये जो कॉफ़ी है बहुत टेस्ट है बट शक्कर कम था, ओके, ये कॉफ़ी बहुत डेट है, बहुत टेस्टी है एंड इसमें शुगर होता और इसमें ऐड कर देता, राइट, एंड ये बट के बदले में एंड आप यूज़ करेंगे, आपकी जो सेंटेंस है बहुत बढ़िया होगा और पीपल विल लव यू लाइक यू फॉर दस, ओके, ये वाला बट यूज़ करते हैं ये नेगेटिव पीपल होते हैं क्योंकि आपकी कोई खुशियाँ देने नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा खुशी देंगे फिर बाद में आपको मार डालेंगे वो, ठीक है, दैट्स नेगेटिव पीपल। और ये हमेशा कभी लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट्स नहीं करते हैं, हमेशा अंडर अचीवर करते हैं, क्योंकि ये देना नहीं चाहते ना, हमेशा लेना चाहते हैं और दिल खोल के किसी को कुछ देते नहीं है, इसके लिए उनके लाइफ में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ होता नहीं है और लोग उनसे दूर हो जाते हैं, राइट, ऐसा होता है। एंड
कभी भी कुछ नया चीज़ होने वाला है तो उससे खुशी नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है, है वो ना यार बहुत देखा है कुछ जाएगा ऐसे ही, ठीक है यार मैं ये करने वाला, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, नहीं आप आपको मिला होगा, आपको आप ये सुनते आपको वो लोग याद आते होंगे जो आपके पास ये किए होंगे, राइट। सो ये नेगेटिव पीपल होते हैं, वो हर चीज़ जो नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कुछ नहीं होते हैं, हमेशा थका हुआ होते हैं, दुखी होते हैं, ये आप समझ सकते हो उसको। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पापा होंगे मम्मी होंगे या फिर घर पे आपके अच्छे के लिए कुछ बोलते भी होंगे, ठीक है, तो अगेन आप उसको गलत मत मानिएगा कि कोई चीज़ में बोलते हैं यार ये मुश्किल हो सकता है, तो आप सावधान हो जाओ, उसको कैसे ठीक करना है उसके ऊपर बात करो, ठीक है, उस तरह के चेंज हैं। एंड ये बहुत ही झूठ बोलते हैं, लाइक आप समझ सकते हो कि वो कंटिन्यूस कोई आदमी झूठ बोलते रहता है, पता क्या है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, भाग जाओ उनसे, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव होते हैं और ख़त्म कर देने अपने को। और इनके अंदर इनके लाइफ में जो भी चीज़ होता होगा ना उसमें कभी भी वो अच्छा ही नहीं दिखता है उनको, कभी एक मस्त एंजॉयमेंट हुआ, पैशन हुआ, कुछ अच्छा काम हुआ उनकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा उनको नज़र में आता ही नहीं है, क्योंकि इनको हमेशा गलत ही दिखता है, बुरा दिखता है, उनकी लाइफ में जो जो अच्छा हुआ कभी दिखता नहीं है, इसके लिए वो कभी अच्छा ही दिखता नहीं है, इसके लिए वो कभी भी उन्हें लाइफ में पॉजिटिविटी कभी दिखते नहीं है, क्योंकि उनके नज़र में हमेशा गलत 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 चीज़ आता है और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है इसकी वजह से। देखिए लाइफ तभी हमारा अच्छा होगा कब हम लोग थैंकफुल होते हैं, थैंकफुल मतलब थैंक यू मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू भगवान ने मुझे ये दिया, राइट। पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी में बहुत थैंक यू बोलते हैं गॉड को, आपने यहाँ तक दिया, थैंक यू, धन्यवाद, है ना, इस तरह का चीज़ें, ठीक है, सब लोग करते होंगे, बुरा मत मानना यार, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद आया उसके बोल दिया। तो ये हमेशा लाइफ में हमें जो मिला ना उसके लिए थैंक यू बोलो कि इतना मिला थैंक यू, आज खाना मिला थैंक यू। ये जो नेगेटिव पीपल है इसको थैंक यू बोलते नहीं, हमेशा रोते रहते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भगवान ने मुझे देख तेरे को कैसे करता तो मेरा ज़िंदगी हालत बुरा कर दी, ऐसा वैसा वो गुस्से में होता है। सो बी थैंकफुल, यू नो वो अच्छा होगा। सेकेंड ये जो नेगेटिव पीपल है दूसरे का जो क्रेडिट है वो ले लेंगे, आपने दोनों मिलके वो काम किया, आपने ज़्यादा काम किया लेकिन वो बोलेंगे कि मैंने किया मैंने किया यहाँ तक कि मैं बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हेड्स जो है उनकी टीम मेंबर्स काम करते हैं फिर बोलते हैं कि मैंने किया। ऑब्वियसली यार टीम मेंबर काम करते हैं तो क्रेडिट आपको जाएगा, ये बात भी, ये सिंपल बात भी समझते नहीं क्योंकि दे आर नेगेटिव पीपल। सो इसको आप समझ सकते हो इनसे कैसे दूर रहना है ये करना है। एंड ये नेगेटिव पीपल हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपकी जो ताकत है आपकी जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में बात ही नहीं करें, अरे तेरे को कुछ नहीं आता है तू बेकार है तू बेकार है। तो ये भी आपको समझना है ये नेगेटिव पीपल ऐसे होते हैं, नेगेटिव पीपल रेस्पेक्ट नहीं देते हैं आपकी जो कामयाबी है आपकी जो ताकत है आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर वो कभी ये नहीं करते हैं, राइट। वो सावधान होना चाहिए उनसे, वो कभी आपको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, अरे चलना आया क्या आया क्या उसको कुछ मतलब वो पैसे के पैसे लोगों को रेस्पेक्ट देंगे, पैसा नहीं है तो रेस्पेक्ट नहीं देंगे, इस तरह का होता है नेगेटिव पीपल, राइट। एंड नेगेटिव पीपल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमेशा चाहते हैं कि आप चेंज हो जाओ, ओके तुझे ये कर तू चेक कर तू ऐसा चेंज कर वैसा चेंज कर, अरे बाबा तू कब चेंज होगा, राइट। ये हमेशा दूसरों को चेंज करते हैं ना देन वी कम अंडर नेगेटिव पीपल, ओके हमें उनको चेंज करने से पहले हमें चेंज होना चाहिए। मेरे रिलेटिव मेरी रिश्तेदार फ्रेंड्स के मम्मी वगैरह होते हैं शादी हुआ बोलते मेरी बहू ऐसी है मेरी बहू वैसी है मेरी बहू बेकार है देखो वो बहू कैसी है ऐसा कंप्लेन करते हैं लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि ये सासू माँ कैसी है, राइट, ये सासू माँ कैसी है किस तरह से व्यवहार करती है वो बहू क्यों नहीं आती है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आपको उसके हिसाब से करना होगा, आपने बहुत कुछ अच्छे करते होंगे लेकिन वो बहू के लिए वो अच्छी नहीं है उसके लिए वो अच्छा नहीं है, उसको जो चाहिए उसको जैसे चाहिए थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सब कुछ क्लियर हो सकता है लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है। मैं बहुत जल्दी मेरा पूरी फैमिली का एक वीडियो बनाऊँगा, हम लोग इतने जनरेशन से हम लोग कैसे साथ में हैं और इतना बड़ा फैमिली कैसे बना और हम लोग हमारे अंदर जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट, ऑब्वियसली आएगा ही ना कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसको कैसे हम लोग पार करते हैं कैसे दूर आते हैं और हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये मैं आगे वीडियो बनाऊँगा।
लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, वो बोलता है कि बहू को चेंज करना है, उसकी हालात ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं। और वो बहू को पूछा तो बोलता है मेरे सासू माँ ना बेकार है, उसको अक्ल नहीं है, वो कभी ऐसी करती है, हमेशा लेती रहती है, ये करती रहती है। दे हैव देयर ओन स्टाइल्स। जब आप अपना जिम्मेदारी दोगे ना, तो फिर किसी के ऊपर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करोगे, दैट्स इट। एंड हमेशा दूसरे को चेंज करने जाना गलत हो जाएगा, देन यू विल कम अंडर नेगेटिव पीपल। डोंट चेंज, चेंज आवर सेल्फ, देन द थिंग्स विल हैप। गॉसिप नहीं करना है कहीं पे भी, ओके? गॉसिप कर रहे हो तो देन यू विल बी इन अ नेगेटिव मोड। आप मुंह खोलते हो किसी को अच्छा होता है तो मुंह खोलने का, आपको मुंह खोलने से किसी को बुरा होगा मुंह नहीं खोलना, ओके? और कोई चीज़ बुरा बातें करना है तो उनको जाके बोलो कि तेरे अंदर ये गलती है, मुझे बुरा लगा, अकेले में जाके बोलो। किसी को तारीफ करना है, पूरा लोग के साथ तारीफ करो, ठीक है? ये अगर फार्मूला आपने यूज़ किया, पीपल विल लव यू फॉर दिस, ओके? एक हो गया। सेकंड, जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, तकलीफ, उसमें हमेशा उनको प्रॉब्लम ही नज़र आता है, उनको पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ नज़र नहीं आता जो नेगेटिव पीपल होते हैं। आप उस तरह का चीज़ मत करो, ठीक है? और इनकी थॉट्स में हमेशा नेगेटिविटी आते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नेगेटिव आएगा, पता नहीं नेगेटिव ही आता रहेगा, तो उस तरह का व्यक्ति मत बनो। और कोई इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यार ये शर्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, छोड़ ना यार मजाक क्यों उड़ाते हो, मैंने ऐसे ही ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक हो गया। दूसरा, दूसरे को जज करते हैं, अरे ये ऐसा बेकार है, ये वो कह रहा है, वो उसका काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। डोंट जज पीपल, ओके? आप जब जज करोगे, आप प्यार नहीं कर पाओगे, आप दोस्ती नहीं कर पाओगे, आप फ्रेंडशिप नहीं कर पाओगे। सो जज करने वाले हर बात में, जजमेंट होता है, मैं विदाउट जजमेंट कभी होगा नहीं, लेकिन ये जज करके पूरा बिगाड़ देते हैं, देन यू कैन नॉट लिव अ लाइफ। तो इस तरह का लोगों से आपको दूर रहना है। और लास्ट टू थिंग्स, ये कभी किसी को अपोलोजाइज नहीं करते हैं। गलती उनके पास हुआ, बोलेंगे कि नहीं यार गलती मेरा नहीं, इट इज़ योर मिस्टेक्स, यू शुड नॉट डू इट, यू नो, इस तरह का। उनकी गलती उनका होगा तो भी वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, राइट? एक बार आई एम सॉरी, गलती मेरा था, आई एम सो सॉरी, राइट? मैंने बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति को देखा, वो हमेशा गलती होता बोलते हैं यस मेरा गलती है, राइट? मैंने गलती किया, राइट? सो दिस इज़ पॉजिटिव पीपल। एंड कभी ये गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन यू आर अ नेगेटिव पीपल, राइट? कभी किसी ने आपने ज़िंदगी में कभी सॉरी नहीं बोला, यू आर गॉन केस। और हर बार शादी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, राइट? एंड पीपल विल लव यू इफ यू से सॉरी, ओके? सेकंड हो गया। थर्ड, आपको ये नेगेटिव पीपल हमेशा अपना खुदकुशी, सेल्फिश के लिए, हमें जो मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, उनके हर ट्रेड में, हर रिलेशनशिप में, हर जगह पे अपना ही देखते हैं, दूसरे का भला नहीं देखते हैं, राइट? सो वैसा नहीं होना चाहिए, ओके? वो नहीं करना चाहिए, सेकेंड। और थर्ड, वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, दूसरे के गम में, उनकी जो फेलियर में, उनके घर में नुकसान होता है, इनको बहुत खुशी होती है। बाहर बताएंगे नहीं, लेकिन वो अंदर के अंदर बहुत खुश होता है। उनके शादी पे कोई तकलीफ हो गया तो बहुत खुश होता है, उनकी शादी रुक गया बहुत खुश हो जाता है, राइट? उनके घर में कुछ बुरा हुआ, इनको बहुत अच्छा लगता है। कभी अपने आप को लगता ना, तो समझ लिया हम नेगेटिव में हैं। तो ये सब कभी खुश मत होने जाएगा। दूसरे के जो सुख है उसमें हमें सुख होना है, दूसरे के जो कुछ वो दुख है तो हमें दुख होना है। अगर हम लोग गलत सोचते हैं तो वी आर नेगेटिव पीपल। एंड सेम चीज़, आपकी जो आपके घर में कोई दुख होता है, बाकी लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा मिलता है, राइट? एक बार एक शादी में कुछ लोचा हो गया, अरे मालूम है उसके शादी में लोचा हो गया, अरे लपड़ा हो गया, मालूम है, ये वेरी वेरी नेगेटिव पीपल। ये सब अगर आपने पहचान लिया तो आप इनसे दूर हो सकते हो, आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बन सकता है। और इन लोग से कैसे डील करना है, अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और उनका भी आप छोड़ के जा नहीं सकते हो, उस तरह का है, उनसे कैसे डील करना है, ये जो वीडियोस हैं मैं आगे नेक्स्ट सीरीज़ में करता हूँ, राइट? थैंक यू सो मच।